हेलो किड्स हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड फाइन टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इन अ बुक ऑफ हॉप स्किप एंड जंप जनरल अवेयरनेस सो लेट्स स्टार्ट टूडे टॉपिक सो टुडेस टॉपिक इज व्हाई बिकॉज व्हाई और बिकॉज ओके सो अभी यहां पे क्या बोला गया है हमें व्हाई मतलब क्यों व्हाई का मतलब पहले हम व्हाई मतलब क्यों बिकॉज मतलब काय के लिए बिकॉज हम बोलते ना बदल बदल क्यों तो हम बोलते ना इसलिए ये किया था मैं है ना मम्मी बोलती है ना तू बाहर क्यों गया म, तो आप बोलते हो मम्मी वो बुलाया थे मुझे तो आप रीजन दे रहे हो तो वाई मतलब क्यों और बिकॉज मतलब आप किसी चीज का रीजन दे रहे हो तो उसके लिए हम बिकॉज लगाते हैं तो यहाँ पे बोला गया है मैच द वाई पिक्चर विद द बिकॉज पिक्चर ओके विद द बिकॉज पिक्चर तो यहाँ पे हमें क्या बोला कि ये हमारे को एक साइड पे वाई दिया है ये वाई का पिक्चर दिया है ये हमें बिकॉज का पिक्चर दिया है और जैसे की फर्स्ट में देख रहे एक गर्ल है गर्ल ने क्या पहना है फर्स्ट गर्ल ने गर्ल है रेनकोट सो व्हाई वी आर वेयरिंग रेनकोट हम रेनकोट कब पहनते हैं क्यों हम रेनकोट पहनते हैं जब बारिश होती रहती है बारिश से बचने के लिए सेफ्टी के लिए हम क्या करते है? रेंग हैं रेनकोट पहनते हैं देखिए आपको खुद पता चल गया आंसर आपने दिया मैंने पूछा आप रेनकोट क्यों पहनते हो आपने बताया बारिश होती है इससे बचने के लिए हमने रेनकोट पहनते हैं यस तो ये हमारा वाई हो गया रेनकोट हमने पहना वाई क्यों पहना क्योंकि बारिश हो रही थी यस देख रहे हो तो वाई का क्या आएगा ये जो गर्ल ने रेनकोट पहना क्यों पहना क्यों बिकॉज ऑफ रेन तो हम क्या करेंगे गर्ल एंड ये रेन जो रेन है उनको मिला देंगे क्लाउड को ये हो गया हमारा फर्स्ट वाई एंड बिकॉज नेक्स्ट ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी है कौन सी है कहीं आग लग जाएगी फायर आग लाग लगी तो हम किसे कॉल करेंगे फायरमैन को कॉल करेंगे तो फायरमैन किस में आएंगे अपने फायर ब्रिगेड की जो गाड़ो कार होती है उसमें आएंगे फायर इंजन में यस yes. सो so, तो क्यों आते हैं जब आग लगती है यस yes. क्यों आई है अरे गाड़ी वाली आग बुझाने वाली गाड़ी क्यों आई क्यों आई क्यों आई क्यों आई क्योंकि आग लगी थी यस बिकॉज ऑफ फायर यस देखो ना आप आंसर आपको मिल रहा है ना बाय एंड बिकॉज़ समझ में आ रहा है ना क्यों इसलिए समझ में आया नेक्स्ट अभी गर्ल ने गर्ल ने क्या लिया है फर्स्ट एड बॉक्स लिया है यस yes. गर्ल ने क्या लिया फर्स्ट एड बॉक्स से बॉक्स क्यों लेते हैं देखिए अगर हमको कहीं माल लग गया या हमको फीवर है कोई है तो हम उसमें मेडिसिन रखते हैं फर्स्ट एड बॉक्स में यस yes. तो यहाँ पे गर्ल ने क्या लिया है फर्स्ट एड बॉक्स बिकॉज ऑफ हमें मार लग गया था जैसे तो देख रहे हो अभी लड़के को क्या हुआ है मार लगाया तो ये लड़की ने क्या लिया है फर्स्ट एड बॉक्स फर्स्ट एड बॉक्स क्यों लिया था फर्स्ट एड बॉक्स बिकॉज इस बॉय को मार लगाया था उसको ट्रीटमेंट करने के लिए देख रहे हो ना एंड बिकॉज समझ में आया सो स्टूडेंट लाइक दिस वे यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज ऑन ऑन पेज नंबर द नेक्स्ट पेज ओके द नेक्स्ट पेज इज ऑल्सो वाई एंड बिकॉज ओके यहाँ पर वाई है और यहाँ पर बिकॉज है हमें इसमें भी मैच ही करना है तो ये देख रहे हो ये बॉय क्या कर रहा है अपने ईयर पे हाथ रखा है देख रहे हो आप उसको मतलब प्रॉब्लम हो रही है तो जैसे तो कि आपको कभी आप हाथ कान पे हाथ क्यों रखते हो जब आपको कोई आवाज बहुत जोर से हो रही है आपको प्रॉब्लम कर रही है तो आप लगाओगे यस कान पे हाथ रखते हो तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये अला हो सकता है नहीं ये लड़के का कपड़ा फटा हुआ है ये तो सैलून है ये गर्ल को देख रहे हो गर्ल क्या कर रही है विसल कर रही है और ये तो डोर टूटा है तो यहाँ पर हम लड़के को किससे प्रॉब्लम हो रही है ये गर्ल जो है विसल बजा जा रही है इससे क्या हो रहा है प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए उसने क्या किया अपने ईयर पे हाथ रखा तो हम ये पूछेंगे ना वाई यू हैर पुटिंग योर हैंड ऑन ईयर्स बिकॉज दिस गर्ल इज विसलिंग यस यस लाइक दिस वे फर्स्ट one, नेक्स्ट दिस इज अ carpenter, yes, बिकॉज शी is कैरिंग द हथोड़ा एंड द screw, yes, दिस इज कैरिंग अ टूल्स सो तो ये किस लिए रहता है कारपेंटर कोई चीज़ को रिपेयर करने है। अपने घर में होते फर्नीचर खिड़की दरवाजे वगैरह को रिपेयर करने के लिए होता है ये हमें मालूम है तो ये क्यों लिया है बाय तो यहाँ देख रहे हो ये तो कपड़ा फट गया कपड़ा तो नहीं सिएगा कारपेंटर नहीं सैलून में जाके तो वो हेयर कट नहीं करेगा यहाँ पे देखो ये, ये खिड़की है ब्रोकन हो गई टूट गई तो कारपेंटर क्या करेगा रिपेयर करेगा वाई कारपेंटर इज कैरिंग द टूल बिकॉज विंडो इज ब्रोकन यस स्टूडेंट आर यू गेटिंग ना न एंड बिकॉज आई एम सेइंग द सेंटेंस इन इंग्लिश आल्सो आपको मैं सेंटेंस इंग्लिश में भी बोल रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए वाई एंड बिकॉज कैसे यूज होता है नेक्स्ट नेक्स्ट इज द टेलर Tailor is carrying a needle and a thread. Yes. So, what the tailor is doing? Tailor is stitching the dresses. Yes. So, why? Why she man is carrying the? Why this man is carrying uh, having a needle and thread? Because she had to stitch the dress. Because she ha he has to stitch the dress. Yes. So, tailor and this boy. Because she had to. stitch is the dress next why this woman is carrying a comb and a scissor why because she has to cut the hair of this girl yes why this woman is carrying scissor and comb in her hand because because she has to cut the a girl's hair yes समझ रहे ना बच्चा समझा आपको वाई एंड बिकॉज ये क्यों लिए इसको ये करना था इसलिए ये क्यों ऐसा हाथ रखा है बिकॉज इसको इससे प्रॉब्लम हो रही थी ये कारपेंटर कार ने ये क्यों लिया बिकॉज इसको ये खिड़की रिपेयर करना था ये मैंने नीडल नीडल एंड थ्रेड क्यों लिया बिकॉज इसे कपड़ा स्टिच करना था समझा बच्चा आर यू गेटिंग आपको समझ में आ गया वाई एंड बिकॉज कोई डाउट है अगर आपको कोई डाउट रहेगा बच्चा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो ओके सो लाइक दिस वे यू हैव टू डू दिस मेंिस सक्सेस पेज नंबर सेवेंटी फाइव ओके आई होप इट क्लियर टू यू सो टेक केयर बाय बाय